दोस्तों नमस्कार, स्वागत करते हैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में इतिहास के स्रोत के अंतर्गत बाकी बचे हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक से वे सारे के सारे बचे हुए प्रश्न आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊँगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे, आंसर करने का कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रश्नों का। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो कि इसी बुक से लिया गया है, और मैंने आपसे वादा किया था कि इस बुक के सारे प्रश्नों को आपको कवर करूँगा, और इसका एक मास्टर वीडियो भी आएगा जो कुछ दिन अभी टाइम है। वो मास्टर वीडियो पूरे बुक का जो रहेगा वो भी चैनल पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, इससे पिछले वाला जो सेट था वहाँ पर 1 से लेकर 15 प्रश्नों को मैंने बताया था इतिहास के स्रोत के अंतर्गत, तो यहाँ से अगला जो 16वां प्रश्न है ये है आपके स्क्रीन पर। तो सभी लोग आंसर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 16वां प्रश्न हमारा क्या है। तो 16वां प्रश्न है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं। लोरिया अरिराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा या फिर पाटलिपुत्र। यहाँ पे आपको पांचवा ऑप्शन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, पांचवा ऑप्शन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारा जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न में उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन यहाँ पे सही होगा, यानी कि लोरिया अरिराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया अरिराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के गया जिले के अफसरगढ़ से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार के गया जिले के अफसरगढ़ से प्राप्त अभिलेख से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परवर्ती गुप्त वंश। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां प्रश्न, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में किसकी जानकारी मिलती है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में किसकी जानकारी मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परवर्ती गुप्त वंश। परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, इसके बारे में जानकारी मिलती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के लिए प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार के लिए प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है। तो यहाँ पे पांच ऑप्शन दिए हुए हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, और इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अथर्ववेद। बिहार के लिए प्रसिद्ध प्राचीन साहित्यिक स्रोत है अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, वहीं पे बिहार का चर्चा पहली बार किया गया है। बिहार क्षेत्र की चर्चा पहली बार शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, जो कि अथर्ववेद का एकलौता ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के फैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे दूसरा वाला सेक्शन उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, यानी कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। ये दोनों पुस्तकों में सबसे पहले भारत में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिला था, और इसमें बताया गया था कि भारत में 16 महाजनपद है, और 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में है। प्राचीन, अभी जो वर्तमान बिहार है, इस क्षेत्र में 3 महाजनपद थे प्राचीन भारत के अंतर्गत। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में महाजनपद के बारे में जानकारी दिया गया था। और एक बार मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर दूं कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। चलिए, इस तरह के आपको ध्यान रखना, इस तरह के फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। महाजनपद के बारे में कई बार एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाल काल का बौद्ध विहार। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ था पाल काल का बौद्ध विहार। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध साहित्य विनय पिटक से किसकी जानकारी मिलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक से किसकी जानकारी मिलती है।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, दूसरा सेक्शन, यानी कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक से जानकारी मिलती है मगध की राजतंत्र के बारे में, वैशाली के गणतंत्र के बारे में तथा मौर्योत्तर बिहार के बारे में। ये तीनों जानकारी मिलता है बौद्ध साहित्य विनय पिटक से। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ए बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला कौन था? पुरातत्ववेत्ता कौन था जिन्होंने बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किया और तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज किया? यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, विलियम हर्शले, कनिंघम, जॉर्ज वुश, दयाराम साहनी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉर्ज कनिंघम। जॉर्ज कनिंघम ने बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किया तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज किया था। तो इसका सही आंसर आपको ध्यान रखना है जॉर्ज कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न, नालंदा में स्थित बड़ा गांव जो कि नालंदा बिहार महाविहार के नाम से विख्यात है, तो प्रश्न है नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव का पता किसने लगाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा कनिंघम। जॉर्ज कनिंघम ने नालंदा में स्थित बड़ा गांव यानी नालंदा महाविहार का पता लगाया था। सही आंसर है कनिंघम। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में किसकी खोज की थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में किसकी खोज की थी? यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक आंसर करना है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दूसरा सेक्शन जो है उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही होगा, यानी कि केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है, लोरिया अधिराज का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल के। ये तीनों जो ऑप्शन ए बी सी में है, इन्होंने यानी कनिंघम ने इसकी खोज की थी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, केसरिया स्तूप जो कि चंपारण में है इसकी खोज की थी, लोरिया अधिराज का अशोक स्तंभ का खोज किया गया था और बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की खोज किया गया था पुरातत्ववेत्ता कनिंघम के द्वारा। ये सारे चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, विदेह के राजा जनक ने निस्क या सुवर्ण या फिर शतनाम नामक उपहार दिया, यह कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निस्क या सुवर्ण या सतनाम नामक उपहार दिया था, यह कहाँ वर्णित है? तो यह वर्णित है बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है। तो इसे ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राह्मी लिपि। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी लिपि। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था ये प्रश्न कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह। बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख शेरशाह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? तो यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, वह पहला मुगल शासक कौन थे जिसके अभिलेख बिहार से मिले हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ऐसे पहले मुगल शासक थे जिसका अभिलेख सर्वप्रथम बिहार से मिला था, यानी कि बिहार के क्षेत्र में पहली बार जो अभिलेख मिला था वह किस मुगल शासक का था? तो वो अकबर का था। नेक्स्ट प्रश्न, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर होगा दीर्घ निकाय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, दीर्घ निकाय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मुल्ला वहभानी कहाँ के यात्री थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुल्ला वहभानी कहाँ के यात्री थे? ईरान के, तुर्की के, इराक के, मैसिडोनिया के? सही आंसर होगा ईरान के, मुल्ला वहभानी ईरान के यात्री थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, मुल्ला वहभानी ईरान के यात्री थे। नेक्स्ट प्रश्न, मुल्ला वहभानी के यात्रा वृत्तांत से किसके बारे में जानकारी मिलती है? मुल्ला वहभानी के यात्रा वृत्तांत से किसके बारे में जानकारी मिलती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधुनिक बिहार के बारे में।
मुल्ला भवानी के यात्रा वृत्तांत से आधुनिक बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कई बार रिपीट होने वाले प्रश्नों में से ये एक प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। सही आंसर होगा राजनीतिक नीतियों पर, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। और आप ध्यान रखेंगे कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अफसलगढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर किसकी कथा दृश्य अंकित है? अफसलगढ़ गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर किसकी कथा दृश्य अंकित है? करेक्ट आंसर होगा रामायण की। इस प्रश्न का सही आंसर है रामायण। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इतिहास के स्रोत के अंतर्गत रजनीश कुमार के जो पुस्तक है बिहार एक परिचय, तो यहाँ पे इस सेक्शन, इस जो टॉपिक था बिहार का स्रोत, तो यहाँ पे ये पहला सेक्शन कंप्लीट होता है। और यहाँ पे 34 प्रश्न थे, इसका पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 16 प्रश्न बताया था और फिर 15 प्रश्न बताया था और फिर बाकी जितने प्रश्न बचे यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बताया। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।